नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं सीताराम बाकर, स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एग्री सिलेक्शन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं और आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुर्गी पालन उद्योग। मुर्गी पालन उद्योग, सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप कृषि पर्यवेक्षक या जेट आईसीआर बीएचयू किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है वो कृषि पर्यवेक्षक में नहीं है, लेकिन 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ था मुर्गियों से, तो ध्यान रखना आपके जो सिलेबस रखा है उसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ नहीं है मुर्गी पालन, लेकिन फिर भी अपन एग्जाम की दृष्टि से अपन पूरी तरीके से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो इस टॉपिक से भी अपने गलत नहीं हो। आपके जो सिलेबस के अंदर मुर्गियों के रोग दे रखे हैं लेकिन मुर्गियों की नस्लें भी वो नहीं दे रखे, मुर्गियों की नस्लें भी दे रखी है लेकिन जो मुर्गी पालन के बारे में अपन बेसिक बात करेंगे तो अपनी दो क्लास होगी मुर्गियों की, तो अपन को इनको भी पढ़ना है। तो ध्यान रखना सभी जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो एक बार कमेंट्स ये ना करें कि ये टॉपिक नहीं है और वो नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो पहले बात करेंगे इसके जूलॉजिकल नेम की। मुर्गी का जो जूलॉजिकल नेम होता है ध्यान रखना वो होता है गेलस डोमेस्टिका। गेलस डोमेस्टिका, गेलस डोमेस्टिका, ये तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है। अगर कुल की बात करें तो फेसियोनिडी कुल होता है, मुर्गी का कुल इंपॉर्टेंट है फेसियोनिडी, फेसियोनिडी ये होता है इसका कुल, फेसियोनिडी कुल हो गया और गेलस डोमेस्टिका क्या हो गया इसका जूलॉजिकल नेम। अगर गुणसूत्र संख्या की बात करें, गुणसूत्र संख्या तो 2N बराबर, ध्यान रखना जितने भी अपने पशु हैं नस्लें हैं अपने सबसे ज्यादा इसी के अंदर गुणसूत्र होते हैं, 2N बराबर 78। ऊंट की बात करें तो 2N बराबर 74 आपको बताया था 74। अगर बात करें ओवरऑल मुर्गियों की तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा मुर्गियों की संख्या है भारत के अंदर वर्तमान स्थिति की बात करें, अभी जो जनगणना हुई है उसमें सबसे ज्यादा मुर्गियां पाई जाती है तमिलनाडु। भारत में सबसे ज्यादा मुर्गियां कहां पाई जाती है ध्यान रखना तमिलनाडु के। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अजमेर जिले में अब आप समझ गए होंगे कि जहां पर मुर्गियां ज्यादा होगी वहां पर अंडे का उत्पादन भी ज्यादा होगा। तो भारत में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन कहां होता है और राजस्थान में अंडे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है तो उसको बताने की आपको आवश्यकता नहीं क्योंकि आप ये चीजें समझ गए। अगर बात करें इसके बेसिक बात तो मुर्गी जो होती है इसका जो समूह होता है मुर्गियों का जो समूह होता है समूह उसको बोलते हैं झुंड। ध्यान रखना मुर्गियों के समूह को बोलते हैं झुंड। अगर बात करें फ्लॉक बोल दो या फिर आप बोल दो झुंड मुर्गियों के समूह को। अगर बात करें इसके मांस को तो मांस को आप सब जानते हो, मुर्गी के मांस को बोलते हैं चिकन, मांस को बोलते हैं चिकन। और यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, जो मुर्गी का मांस होता है उसको बोलते हैं व्हाइट मीट या सफेद मांस, और अन्य जितने भी कोई भी पशु है या पक्षी है उन सब के मांस को बोलते हैं लाल मांस या रेड मीट। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुर्गी के मांस को बोलते हैं सफेद मांस। बोलते तो चिकन है लेकिन उस मांस को बोलते हैं सफेद मांस या फिर बोल दो आप व्हाइट मीट। और जितने भी अन्य कोई पशु पक्षी है उन सबके मांस को बोलते हैं रेड मीट या बोल दो आप लाल मांस। अन्य के लाल मांस या फिर बोल दो रेड मीट। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, मुर्गी के मांस को सफेद मांस और अन्य के मांस को रेड मीट। अब बात करेंगे, देखो एक अपन अपन पक्षियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक इंस्टीट्यूट है अपने भारत के अंदर, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, आपने नाम सुना होगा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। और ये कहां पर है, ये है बेटाओ इज्जत नगर। और इज्जत नगर कहां आता है, बरेली। और बरेली आता है यूपी के अंदर, बरेली का गुड़ काफी फेमस है।
तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, इज्जत नगर, और इज्जत नगर आता है बरेली। इसके अलावा बात करें तो एक और इंस्टीट्यूट है, पहले उत्पादन की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर भारत का जो अंडे उत्पादन में स्थान है वो अंडा उत्पादन में, विश्व में अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन में विश्व में, विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का स्थान है वो है फोर्थ रैंक। पूरे संसार के अंदर भारत का जो अंडा उत्पादन में स्थान है वो है फोर्थ रैंक। अगर मांस उत्पादन की बात करें तो मांस उत्पादन में है आठवां स्थान, और मांस के उत्पादन में, मांस उत्पादन में, मांस उत्पादन में आठवीं रैंक, और अंडा उत्पादन में है फोर्थ रैंक भारत की, पूरे विश्व के अंदर बात करें। अगर बेसिक बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे अपन क्वेश्चनों की बात करें तो ध्यान, एक चीज ध्यान रखना, भारत में जो मुर्गियां होती हैं, देसी मुर्गियां भी पाई जाती है और विदेशी मुर्गियां भी पाई जाती है। व्यापारिक दृष्टि से अगर बात करें अपन, मतलब बिजनेस के रूप में कौन सी मुर्गियों को पाला जाता है, तो वो अच्छी किस्म की जो उन्नत नस्लें हैं, विदेशी नस्लें हैं, उनको पाला जाता है। और खास तौर पे सबसे ज़्यादा पाला जाता है वो पाला जाता है वाइट लेगोन का। अगर देसी किस्म, देसी जो नस्लें हैं उनके अंडे उत्पादन की बात करें तो औसत अंडा उत्पादन देसी मुर्गियों से 60 अंडे एक साल में उत्पादन किए जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, देसी किस्म, देसी नस्लों से, देसी नस्लों से एक साल में 60 अंडे प्रतिवर्ष, एक साल में औसत 60 अंडे माना जाता है उत्पादन। अगर उन्नत नस्लों की बात करें तो आप जानते हो लगभग 200 कुछ बुकों में 200 से लेकर 240 तक दे रखा है, तो 240 औसत 240 अंडे एक साल में लगभग उत्पादन किया जाता है, 200 से 240, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। अगर बात करें अपन, अगर ICMR आप जान, नाम सुना होगा ICMR, ICMR का सबने नाम सुना होगा, अपने स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा ऑफिस भी है ICMR, इंडियन मेडिकल काउंसलिंग ऑफ रिसर्च, ICMR। उसके मतानुसार अगर बात करें, एक वयस्क आदमी होता है, एक वयस्क मनुष्य होता है, उसको एक दिन के अंदर लगभग 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक वयस्क मानव को संतुलित आहार में लगभग एक वयस्क मानव को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब देखो ये जो प्रोटीन है, ये बात कह रहा ICMR, इंडियन मेडिकल काउंसलिंग ऑफ रिसर्च, या इंडियन मेडिकल रिसर्च ऑफ काउंसलिंग, कुछ भी बोल दो, ICMR, प्रोटीन चाहिए 60 ग्राम। अब इस प्रोटीन के अंदर लगभग एक तिहाई प्रोटीन, मतलब कह सकते हैं अपन 33%, यानी 20 ग्राम इसमें से एक तिहाई प्रोटीन, मतलब 20 ग्राम, 20 ग्राम प्रोटीन कैसी होनी चाहिए, पशु जनित होनी चाहिए, पशु जनित कैसे, या तो आप मांस खाओ या फिर आप अंडे खा लो, मतलब पशुओं से प्राप्त होनी चाहिए। आप दूध भी पी सकते हो, पशुओं से जरूरत नहीं कि अपन मांस खाए, मीट खाए या कोई अंडे खाए, पशुओं से जो भी प्रोटीन प्राप्त होती है वो आप दूध भी खा सकते, दूध भी पी सकते हो। तो एक व्यक्ति को लगभग 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पशु जनित प्रोटीन, तो ये चीज भी ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें, जो अंडा होता है इससे लगभग 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो क्वेश्चन आ जाए 80 कैलोरी एक अंडे से 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर बात करें, जो मांस होता है, मुर्गी का जो मांस होता है उसमें लगभग 16 से 22% ध्यान रखना, 16 से लेकर 22% क्या होती है, प्रोटीन होती है। जो मुर्गी का मांस होता है जिसको चिकन बोलते हैं, उसको सफ़ेद मांस बोलते हैं, उसके अंदर 16 से लेकर 22% तो प्रोटीन होती है। और अगर वसा की बात करें, ये तो होती है प्रोटीन, अगर वसा की बात कर ले तो लगभग 1.5% क्या होती है, सॉरी, लगभग मांस के अंदर वसा की बात करें तो लगभग 1.5 से लेकर 10% के लगभग क्या होती है, वसा होती है। वसा की मात्रा सब मांसों के अंदर अलग अलग होती है, सब जो नस्लें हैं, मुर्गी की नस्लें हैं, सब में अलग अलग प्रकार से होती है।
लेकिन न्यूनतम 1.5% मानी जाती है और अधिकतम 10% मास्क में वसा की मात्रा मानी जाती है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर ले, उसके बाद में पढ़ते हैं मुर्गी के बारे में बेसिक बात। चलो एक दो लाइन और देख लेते हैं। जो एक आजकल एक चीज आपने देखी होगी, जो बाजार के अंदर जो अंडे मिलते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ये मुर्गी घर है, सपोज करिए मुर्गी घर है और इसके अंदर ये मुर्गी है और ये मुर्गा है, तो मुझे ये बताइए कि आप क्या कोई भी मुर्गी है नर मुर्गी के साथ जब तक संभोग क्रिया नहीं करेगी तो क्या वो अंडा दे सकती है? नर मुर्गी के साथ अगर संभोग क्रिया संपन्न नहीं होगी तो क्या वो अंडा दे सकती है? आपके जवाब हाँ या ना में दीजिए, आपके जवाब हाँ या ना, फटाफट में आपके कमेंट्सों का वेट कर रहा हूं मैं। मेरा क्वेश्चन है, कोई भी नर मुर्गी है, सॉरी मुर्गा है और एक मुर्गी है, अगर इन दोनों के बीच संभोग क्रिया संपन्न नहीं होगी तो क्या ये अंडा दे सकती है? क्या मुर्गी बिना संभोग किए हुए क्या मुर्गी अंडा दे सकती है? दीपक जी कह रहे हैं नहीं, मोहनलाल जी कहते हैं दे सकती है। ज्यादातर विद्यार्थियों के जो कमेंट्स है वो लगभग हाँ में ही दे रहे हैं सब, कि हाँ दे सकती है। कुछ 20% बच्चे हैं कि सर नहीं दे सकती। तो देखो इस चीज का आप ध्यान रखना, हाँ हाँ ना हाँ ना हाँ ना सबका लगभग लगभग। चलिए आप कमेंट्सों को रोक दीजिए, मैं आपको बता देता हूं, ये जो अंडा मुर्गी होती है तो एक चीज ध्यान रखना, मुर्गी बिना निषेचन के भी अंडे दे सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना, मुर्गी बिना निषेचन के भी अंडे दे सकती है। अब देखो कैसे, मुर्गी पैदा ही अंडे देने के लिए हुई है। आप ये मत सोचो कि मुर्गी को एक घर का काम करने के लिए पैदा करते हैं, मुर्गी का काम ही अंडे देना है, तो बिना निषेचन के भी अंडे देती है। आजकल जो बाजार के अंदर आप अंडे खाते हो, आमलेट बॉयल बुर्जी उर्जी ये जो भी खाते हो आप, वैसे मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो आजकल जो आप बाजार के अंदर जो अंडे खाते हो वो होते हैं बिना निषेचित अंडे, और उन अंडों को बोलते हैं इनफर्टाइल एग। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाजार के अंदर जो अंडे आते हैं वो बिना मुर्गों के, ये मुर्गियों का बाड़ा या मुर्गियां ही मुर्गियां रहेगी, मुर्गों की एंट्री नहीं है, किसी भी मुर्गे को देखने भी नहीं देते मुर्गी घर वाले, एंट्री है ही नहीं किसी की। ये जो मुर्गी अंडा देगी ये बिना निषेचित अंडे हैं, और आजकल जो बाजार के अंदर आते हैं वो बिना निषेचित अंडे आते हैं, और इन अंडों को बोलते हैं इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल एग। ध्यान रखना, इनफर्टाइल एग। अब अगर ये मुर्गे के साथ निषेचन क्रिया संपन्न होगी, उसके बाद में जो अंडे देगी, अपन मान लो अक्सर बात करें अपन देसी हो शाकाहारी हो आप, हाँ बेटा शाकाहारी हूँ कोई टेंशन मत ले, चिंता मत कर, कभी कभार ये बुर्जी उर्जी खा लेता हूँ हल्की फुल्की, बुर्जी हो जाए। अब आप जानते हो सर्दियों के मौसम में कितनी गजब सुगंध आती है, तो कभी कभार हो जाता है, बाकी ऐसे शाकाहारी है, अंडे शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी मानते हैं। देखो अगर ये निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है मुर्गे के साथ तो इन अंडों को बोलते हैं फर्टाइल एग, और बिना निषेचित अंडों को क्या बोलते हैं इनफर्टाइल एग। तो ये चीज ध्यान रखना आप, इनफर्टाइल एग कौन से होते हैं, मतलब नर मुर्गे के साथ निषेचन क्रिया संपन्न नहीं हुई हो, और जो अंडे होते हैं वो कौन से होते हैं, और जो निषेचन क्रिया से संपन्न हुई है वो कौन से होते हैं, फर्टाइल एग। ये चीज ध्यान रखना, अगर अपन मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो नर और मादा का जो अनुपात रखा जाता है वो अनुपात रखा जाता है 10:1। तो ध्यान रखना, नर मादा, नर मादा मतलब कह सकते हैं अपन, नर अगर पहले आ रहा है तो 1:10, 1:10 क्यों, क्योंकि नर एक रहेगा और मादाएं होगी 10, मतलब 10 मुर्गियों पर अपन एक नर रख सकते हैं। अगर पहले मादा आ जाती मादा नर अनुपात, तो यहां पर 10:1 होता,
तो एक बार इसको आप नोट डाउन करें, उसके बाद में बात करेंगे अपन छोटे छोटे मुर्गी मुर्गी के बच्चों के बारे में फटाफट आप। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना तो भूले ही नहीं। फटाफट आप वो कर सकते हो। अब देखो आगे अपन बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन अंडा खरीदते हैं। अंडा तो बहुत इंपॉर्टेंट, अब वाला जो बोर्ड होगा उसमें जो भी लिखा जाएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है। अंडे का चेन, अब देखो पहली चीज तो अंडा जो होता है ना, अंडा ये मैं इधर बना देता हूं, अंडा थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा सा होता है, अंडा होता है आप इसको अंडा ही समझ ले, ओरिजिनल अंडा नहीं है, वरना यार ये तो आम बन गया। ये मान लो आप अंडा, ये जो अंडा होता सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो भाग होता वो होता कवच, इसके ऊपर जो होता ना जो उसको बोलते हैं कवच, कवच और इसको कवच बोल दो या बोल दो छिलका, ये अंडे का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है कवच या बोल दो आप छिलका। इसका जो रंग होता है कवच का वो मुर्गी की नस्ल के हिसाब से होता है, सफेद भी हो सकता है भूरा भी हो सकता है, तो इसका रंग कैसा हो गया, रंग सफेद या हो सकता है भूरा, सफेद या भूरा मतलब मुर्गी की नस्ल के आधार पे होता है। अभी मान लो व्हाइट लेंगोर्न आएगी तो बिल्कुल सफेद जक रहेगा, तो आप समझ पा रहे हो कि इसका जो कवच होता है या छिलका होता है उसका रंग होता है सफेद या भूरा। इस कवच के ऊपर लगभग 600 से 800 ध्यान रखना 600 से लेकर 800 छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र अपन को दिखाई कम देते हैं, तो इस एक अंडे के ऊपर छिद्रों की संख्या लगभग 600 से 8 होती है। ये जो कवच होता है ये पूरा का पूरा बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ छोटे लेवल के जेट आईसीआर लेवल में, अंडे का जो कवच कवच किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ध्यान रखना अंडे का कवच किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और लगभग 94% 94% किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें इसके अंदर आपने देखा होगा जर्दी पाई जाती है, अरे पीली पीली सी जर्दी वही सबसे मस्त लगती है खाने में, आप ट्राई करना वो अंडे की जो जर्दी होती है ना पीली पीली, तो उसका पीला रंग आपसे पूछा जा सकता है कि अंडे की जर्दी का पीला रंग किसके कारण। गुरुजी किया ये सारी वीडियो वॉइस ऊपर ऐप, बेटा ये जो पूरी वीडियो है आपको ऐप के ऊपर भी मिलेगी, ऐप के ऊपर अपडेटेड वीडियो मिल रही है आपको, जो हमारा संस्थान का एप्लीकेशन है एएसपी कोचिंग जयपुर उसके ऊपर पूरा नया सिरे से नए तरीके से सब अपडेटेड वीडियो मिल रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी कोर्स खरीद रहे हो एक बार पहले का पढ़ा हुआ और नया नए सिरे से दो दो बार रिवीजन करवा रहे हैं, तो आप टेंशन ना ले। तो अंडे की जो जर्दी होती है उसका पीला रंग की बात करें तो जेंथोपिल के कारण होता है, तो मैं बोल सकता हूँ पीला रंग, पीला रंग जेंथोपिल वो होता है जेंथोफिल के कारण, अंडे का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है, ये चीज भी आप इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अब देखो अपन बात करें ये जो कवच होता है इसका सबसे प्रमुख, सॉरी जो अंडे की जर्दी होती है ना जर्दी, इसका मेन काम क्या होता है, अगर ये अंडे की जर्दी नहीं होगी तो ये अंडा जल्दी सड़ जाएगा, तो अंडे के आंतरिक भागों की रक्षा करना इसका काम है। तो अंडे की जर्दी का प्रमुख कार्य क्या होता है, अंडे की आंतरिक भागों की रक्षा करना, तो इसका कार्य इसको बोल दो आप जर्दी, कार्य कार्य है इसका अंडे की आंतरिक भागों की, आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। अरे ये अगर ये कवच, इस कवच का कार्य क्या, अंडे की बाहरी भागों की सुरक्षा करना,
अंडे के बाहरी भागों की सुरक्षा करना तो किसका काम होता है? कवच का। आंतरिक भागों की सुरक्षा करना किसका होता है? जर्दी का। अगर ये अंडे का कवच नहीं होने, अंडे का कवच नहीं होने, तो आपने देखा होगा दुकानों पे कोई भी जाते हैं वो कोई थड़ी थेले वाले अंडा फ्राई करते हैं, अगर वो ऊपर लगा हुआ नहीं होने तो कोई भी उठा के खा जाए, टप कसी पता ही नहीं चले, देख रहे हैं चेक कर रहे हैं इसको खरीदेंगे और टप मुंह में रख लिया, कोई पता ही नहीं चले बेचारे को, अगर वो कवच नहीं हो तो। ध्यान रखना वो करता है बाहरी भागों की सुरक्षा, ये जर्दी करती है आंतरिक भागों की सुरक्षा, तो ये चीज भी ध्यान रखना। अब अपन बात करें अंडे का चैन, तो अंडे का जब भी अपन चैन करें तो एक अंडे का वजन कितना होना चाहिए? देखो कंफ्यूजन मत होना, मैं बात कर रहा हूं अंडे का चैन करते समय अंडे का वजन कितना होना चाहिए। एग्जामिनर वहां पर दो दो तीन तीन पॉइंटों में आपको ऑप्शन देगा, तो अंडे का चैन करे तो अंडे का वजन, अंडे का वजन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए 60 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन आ जाए एक अंडे का औसत वजन कितना होता है, तो वो कितना होना चाहिए 58 ग्राम। औसत वजन, औसत वजन वो कितना होता है 58 ग्राम, वो कितना होगा 58 ग्राम होगा। ये चीज भी आप ध्यान रखना। अंडा जिससे अपन मुर्गी का अंडा खरीद रहे हैं तो उस मुर्गी का मतलब उम्र कितनी होनी चाहिए? आप ये नहीं कि तो 3-1 महीने की मुर्गी से आप अंडा लिया है, अरे वो तो मर्दले सा छोटा सा अंडा देगी यार। अंडे का अगर अंडे देने वाली मुर्गी का अपन चयन कर रहे हैं कि इसका अंडा सही रहेगा, तो उसका वजन मतलब सॉरी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 8 महीने से होनी चाहिए, लगभग 8 महीने से, 8 माह से लगभग 20 माह की होनी चाहिए की उम्र मुर्गी की, मुर्गी की अंडा देने वाली मुर्गी का अगर अंडा खरीद रहे हो ना आप, तो उस मुर्गी की भी उम्र देखो, छोटी मुर्गी का अंडा मत लो आप, ठीक ठाक मुर्गी हो जो वयस्क मुर्गी हो उसका अंडा लेना चाहिए। आप ध्यान रखना हमेशा जब भी अंडा लो तो एक जर्दी वाला अंडा होना चाहिए, एक ही जर्दी हो अंडे के अंदर, तो वो भी वो मैटर अलग है। अब एक बीमारी होती है, खूब बार में कर रहा हूँ क्वेश्चन ये छपने की संभावना है, और दो क्वेश्चन इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर से इंपॉर्टेंट बनते हैं इनकी बीमारियों की, आपकी बीमारियां दे भी रखी है। एक बीमारी है ल्यूकोसिस, जो अंडा होता है अंडे से चूजों में फैलने वाली बीमारी। देखो ध्यान रखना एक तो होती है मुर्गियों से, मैं बात कर रहा हूं अंडों के, क्वेश्चन खूब बार आया हुआ अंडों से, अंडों से चूजों के अंदर, चूजों में फैलने वाली बीमारी ये क्वेश्चन आप स्टार लगा सकते हो इस क्वेश्चन के, और छपने की पूरी पूरी संभावना है। अंडों से चूजों में फैलने वाली बीमारी को बोलते हैं ल्यूकोसिस, और यह होती है ल्यूकोसिस, ल्यूकोसिस। कृषि पर्यवेक्षक का 2015 का आप पेपर उठा के देखना, आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, सिलेबस में नहीं था तो भी एग्जाम में क्वेश्चन क्यों आ गया। और एक क्वेश्चन आप जानते हो, एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है और एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। तो 2 दिन अपने लिए टॉपिक को पढ़ेंगे, विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो एक बीमारी बता दी मैंने आपको ल्यूकोसिस, एक में आगे पढ़ाऊंगा। तो ल्यूकोसिस बीमारी ऐसी है कि जो अंडों से चूजों के माध्यम में फैलती है। अब तीसरी बात अपन करें, जो अंडा होता है अपन ने अंडा खरीद लिया, वजन देख लिया लगभग 58-60 ग्राम का वजन है, उस मुर्गी की उम्र देख ली भाई लगभग 8 महीने से लेकर 20 महीने की है, अंडा अपन ने खरीद लिया, तो अब उसकी जो संग्रहण अवधि होती है अंडे की, मतलब उसको कितने दिनों तक अपन सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। गर्मियों के अंदर, गर्मियों में संग्रहण अवधि, और एक बात करें सर्दियों में। अब जो गर्मियों के अंदर एक अंडे की जो संग्रहण अवधि होती है, मतलब अपन सुरक्षित रख सकते हैं, वो होती है लगभग 3 दिन। और अगर सर्दियों की बात करें तो 7 दिन तक अपन इसको सुरक्षित रख सकते हैं अंडे के, ये चीज भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें अपन जो अंडा से चूजा बनेगा
तो आप सब जानते हो लगभग 21 दिन का समय लगता है, वो अपन आगे बात करेंगे। एक बार इसको आप नोट डाउन करना चाहिए तो आप एक बार नोट डाउन कर लो। इसमें जो होता है ना अंडा, अंडा अपने पास है तो अंडे से जो चूजा बनता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन या बोल दो उद्भवन। मैं लिख देता हूं अंडे से चूजा बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं इनक्यूबेशन, या अपन बोल सकते हैं इसको उद्भवन। क्या हो गया इस मार्कर को, उद्भवन। तो ये चीज आप ध्यान रखना, एक बार आप नोट डाउन कर लो, इसको लिख लो, उसके बाद में अपन और आगे बात करेंगे। अब देखो उद्भवन बोल दिया, अंडे से चूजा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये अंडा ने अब इससे जो बच्चा बनेगा, जो छोटा बच्चा बनेगा ना, या मुर्गी या मुर्गा निकलेगा ना उसके अंदर से, तो ये जो अंडे से जो कोई निषेचित अंडे होते हैं ना, मतलब फर्टाइल एग या निषेचित जो अंडे होते हैं ना, जिसमें मुर्गी के बीच में निषेचन क्रिया संपन्न हुई हो, उन अंडों से ही बच्चा निकलेगा, बाकी अंडों से बच्चा निकलेगा नहीं। बाजार में जो आते हैं उन अंडों में बच्चा नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो निषेचित अंडे नहीं है, अनिषेचित अंडे हैं, और उनको बोलते हैं इनफर्टाइल एग, और निषेचित अंडों से ही हमेशा चूजा बाहर निकलता। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अंडापन सहते हैं, अंडाशयन के लिए सबसे अच्छा मौसम या सबसे अच्छा माह कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन आ सकता है सर, अंडे से निकलने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? बेटा कैंडलर बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन उसके बारे में। ऐप पर सिलेबस पूरा, ऐप के ऊपर कंप्लीट सिलेबस डला हुआ है। आप एक बार कमेंट्स को थोड़ा सा रोक दे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ध्यान मेरा अंडे के अंदर है, क्योंकि अभी टॉपिक ही ऐसा चल रहा है, स्वादिष्ट चीज का टॉपिक चल रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, आप सबसे अच्छा महीना अंडे को सेने का, सबसे अच्छा महीना कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है फरवरी मार्च। तो अंडे सेने हेतु, सर्वोत्तम माह वो माना जाता है फरवरी मार्च। और आप अंडा खरीद रहे हो ना, तो उसमें भी सबसे अच्छा महीना यही माना जाता है। मुर्गी खरीद रहे हो तो यही महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अंडे सेने के लिए भी सबसे अच्छा महीना यही माना जाता है। अब अंडा सेने की विधियां कौन कौन सी है, किन किन प्रकार से अपन अंडों को सह सकते हैं, मतलब सहना आप जानते हो, अंडों से चूजा निकाल रहे हैं अपन, बच्चा निकालेंगे तो उनको सहेंगे। देखो दो विधियां होती है, एक तो होती है प्राकृतिक, और दूसरी होती है कृत्रिम, समझना। मैं बोल सकता हूं अंडा सहने की विधि, की विधियां कौन कौन सी है। एक तो प्राकृतिक विधि, ये जो विधि होती है, एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्राकृतिक विधि है अपने गांव के अंदर यही विधि सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। प्राकृतिक विधि में जो अंडा सहते हैं, ये विधि सबसे ज्यादा कहाँ अपनाई जाती है? गाँव में, मतलब अपने घरेलू स्तर पर। इस विधि में जो भी अंडा सहते हैं उसमें अपन मुर्गी लेते हैं, कुड़क मुर्गी अंडा सेने में इसमें लेते हैं अपन कुड़क मुर्गी इस विधि में। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, ये जो विधि होती है प्राकृतिक विधि, इसमें अपन अधिकतम 100 अंडे सह सकते हैं। इस विधि में 100 अंडे, अधिकतम 100 अंडे
100 अंडे ही सह सकते हैं इस विधि में। गांव गांव में सबसे ज्यादा विधि अपनाई जाती है वो प्राकृतिक अपनाई जाती है। एक मुर्गी क्या करती है, 8 से 10 अंडों को सह सकती है, ज्यादा को नहीं। आप ये नहीं कोई पड़ोसी के अंडे लिए 150 एक मुर्गी के पास पटक दिया भाई इनको भी अब से, वो नहीं सहेगी भैया। मुर्गी हमेशा ध्यान रखना इस विधि में 8 से 10 अंडे, एक मुर्गी 8 से 10 अंडों को आसानी से सह सकती है। ज्यादा डाल दोगे तो यार वो मुंह फुला लेगी, अगर 15-20 अंडे रख दिए तो वो मुंह फुला लेगी। और आप जानती हो लेडीज की आदत, मतलब फीमेल की आदत जानती हो, ज्यादा में तो क्या मुंह फुला लेगी। तो ये थी अपनी प्राकृतिक विधि। एक वो थी कृत्रिम विधि। अब देखो कृत्रिम विधि से हमेशा क्वेश्चन आता है, जब अपने पास अंडों की संख्या 100 से ज्यादा अंडे तो कौन सी विधि अपनाई जाती है, कृत्रिम विधि। अंडों की संख्या 100 से अधिक होने पर यह विधि अपनाई जाती है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, अंडों की संख्या अगर 100 से ज्यादा है तो कौन सी विधि अपनाएंगे अपन, कृत्रिम विधि अपनाएंगे। अब दूसरी बात, ये जो कृत्रिम विधि अपनाते हैं इसमें लेते हैं अपन इंक्यूबेटर। आप जानते हो अपने जो भारत है मशीन है एक इंक्यूबेटर। मैं आपको डायग्राम तो नहीं दिखा सकता इसके माध्यम से क्योंकि अभी मैंने शायद डाउनलोड नहीं किया। तो अगर अंडों की संख्या 100 से ज्यादा है तो उसमें काम में लेते हैं इसमें, तो कह सकते हैं इस विधि में इंक्यूबेटर मशीन काम में लेते हैं। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम विधि में अंडे सेने हेतु किस यंत्र कौन सी मशीन काम में लेते हैं, इंक्यूबेटर। अब देखो इंक्यूबेटर काम में लेते हैं। अब जो एक इंक्यूबेटर होता है मशीन, अरे आपने जो फ्रिज देखा होगा ना उस टाइम, बेटा अंडे के अंदर का तापमान कितना होता है, सर मोहन या दिनेश या कोई भी बताओ ना बेटा, अभी आएगा आपके, आप फालतू में एडवांस क्वेश्चन मत लिखो, आएगा ये क्वेश्चन। देखो इस विधि में इंक्यूबेटर मशीन काम लेते, एक जो इंक्यूबेटर आपने फ्रिज देखा होगा, फ्रिज टाइप में आएगा इंक्यूबेटर मशीन, उसके अंदर ट्रे लगी होगी और ट्रे के अंदर ही अपन अंडे रखते हैं। इस विधि में ध्यान रखना, इस विधि में अधिकतम 3000 अंडों को सहा जा सकता है एक बार में। देखो प्राकृतिक विधि में तो 100 अंडे ही सह सकते हैं, लेकिन इनक्यूबेटर में अपन इस मशीन के अंदर 3000 अंडों को एक साथ सह सकते हैं। तो 3000 अंडों को एक साथ सह सकते हैं। देखो ये सहना है, सहना सह सकते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखना। अब इसमें क्या करते हैं, इंक्यूबेटर का तापमान, देखो टेम्परेचर पूछ रहे थे, इंक्यूबेटर जो मशीन होती है उसका तापमान स्टार लगा के लिखना। इस मशीन का जो तापमान होता है जब अपन डालते हैं अंडा, आपको पता है 21 दिन बाद में अपना चूजा बाहर निकलेगा, तो इंक्यूबेटर मशीन में अपन जब अंडों को डालते हैं तो उस मशीन का तापमान होना चाहिए 100 डिग्री फारेनहाइट। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मशीन का तापमान होना चाहिए 100 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए जब अपन मशीन अंडा स्टार्ट में डालते हैं। तो उस समय क्या होना चाहिए तापमान, आज दो बार पेन गिर गया मेरा, 100 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। लेकिन यहां पर हर तीन दिन के अंदर, हर अंतिम तीन दिन में तापमान कितना हो जाता है, लास्ट के तीन दिन, आप पहले दिन जब मशीन को चालू किया उस समय तापमान होना चाहिए 100 डिग्री फारेनहाइट, लेकिन मशीन को जब बंद कर रहे हैं अपन लास्ट के 21 दिन से पहले 3-4 दिन, मतलब अपन कह सकते हैं 17-18 दिन बाद में इस मशीन का जो तापमान होता है वो लगभग अंतिम तीन दिन का जो तापमान होता है लगभग 95 से लेकर 98 डिग्री फारेनहाइट रखते हैं। ध्यान रखना उस समय तापमान क्या थोड़ा सा कम कर देते हैं इस मशीन का तापमान। तो ये थी अपनी मशीन। अब देखो एक क्वेश्चन भी आ रहा था अभी बार बार,
जो अंडा होता है ना अंडा, उसके आंतरिक गुणों का अध्ययन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? तो देखो मैं थोड़ा सा एक बार इसको, अंडे का जो आंतरिक गुण होते हैं उनको कब करते हैं अपन? पहली बात तो वो करते हैं अपन 7 और 14वें दिन। अंडे के अपन ये मान लो ये मशीन है, ये फ्रीज टाइप में है और इसकी ये ट्रे है और उसके अंदर अंडों को रख रखा अपन ने, ऐसे अंडों को जमा रखा ट्रे के अंदर। तो इनके आंतरिक गुणों का अध्ययन कब करेंगे? पहली बात तो अपन करते हैं 7 दिन में, स्टार्ट के 7 दिन में, और दूसरी बार करेंगे अपन 14 दिन में। और किस यंत्र की सहायता से करते हैं वो लेते हैं, आपको पता ही है, कैंडलर। तो मैं लिख देता हूं, अंडे के आंतरिक गुणों, आंतरिक गुणों का अध्ययन, अध्ययन कैंडलर की सहायता से, कैंडलर 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 यंत्र से करते हैं। और इस कैंडलर यंत्र से कब करते हैं? 7 दिन, 7 दिन और 14 दिन। 14 दिन में क्या करते हैं इसके, मतलब अंडों का जांच करते हैं, अंडा खराब तो नहीं हुआ, बच्चा पल रहा है कि नहीं पल रहा, वो चीजें देखते हैं। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बेटा ये 11 दिन गलत है, 7 और 14 दिन राइट आंसर आएगा, टेंशन ना ले। 7 और 14 दिन आता है। अब देखो अपन ने अंडों की जांच कर ली, अब एक क्वेश्चन और बनता, जो ये अपन ने ट्रे बना रखी है, फ्रीज टाइप में इंक्यूबेटर मशीन है और ये ट्रे है, ये ट्रे है, तो ये अंडा रख दिया, ये अंडा रख दिया, ये अंडा रख दिया, ये अंडा, ये अंडा, अंडे हैं, तो इन दोनों अंडों के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? मतलब अंडे को संग्रहण करते समय दो अंडों के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए? बेटा अक्षय मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, आगे आएगा, चल रहा टॉपिक, आप टेंशन ना ले, ए बार बार एक क्वेश्चन को ही ना डाल, आ जाएगा आगे, मुझे पता है। अंडा जो होता है दो अंडों के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए, तो वो ध्यान रखना 1.25 इंच। मैं लिख सकता हूं दो अंडों के मध्य, दो अंडों के मध्य 1.25 इंच, 1.25 इंच मैं कह रहा हूं, ये बात कर रहा हूं, मतलब संग्रहण करते समय की बात कर रहे हैं, संग्रहण करते समय या सहते समय दो अंडों के मध्य 1.25 इंच दूरी की जगह होनी चाहिए। अब ध्यान रखना, अंडा सह रहे हैं पर इंक्यूबेटर मशीन में, लेकिन उन अंडों को ट्रे के अंदर डालते हैं, एक स्पेशल ट्रे आती है उसके अंदर डालते हैं, वो कब डालते हैं? क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के कहीं से भी आ जाए, अंडों में से अंडा फेवरेट चीज है और अंडे में से कहीं से क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, अंडा सहने के लगभग जो 19 दिन होते हैं, 19 दिन पर क्या करते हैं, उन अंडों को उठाकर अंडे की ट्रे या नर्सरी ट्रे में डाल देते हैं। मैं लिख सकता हूँ अलग ट्रे आती है, क्योंकि उस समय बच्चा व्यस्क हो जाता है, अब अंडा अंडे से बच्चा निकलने वाला है, 2 दिन का समय और बचा है, तो उस समय क्या करते हैं उन अंडों को इनक्यूबेटर में, एक नर्सरी ट्रे आती है उसमें रख देते हैं। अब देखो अंडे से बच्चा कितने दिन बाद में निकलता है, अब इसका जो औसत समय माना जाता है वो औसत 21 दिन, 20 से 21 दिन, तो 20 से 21 दिन बाद में जो चूजे को अलग कर लेते हैं अंडों से, 20 और 21वें दिन बाहर निकले जो चूजे होते हैं ना उनको अपन अलग कर लेते हैं, और 21 दिन बाद में क्या हो जाता है अंडे से चूजा बाहर निकल जाता है। कितने दिन बाद में? लेकिन 21 दिन बाद में बता रहा हूं मैं, 21 दिन बाद चूजा निकल जाता है, ये अपने बच्चा हो गया, कोई थाली बजाएगा और कोई पीपा बजाएगा और कोई ढोल बजाएगा, कोई गुड़ बांटेगा, कोई मिठाइयां बांटेगा, मतलब धूमधाम से उस बच्चे का क्या जन्मोत्सव मनाएंगे। आप जानते हो गांव में बच्चा होता है अपने, कोई भैंस पार्टी भी आती है तो अपन पड़ोसियों को और बुला लेते हैं, देखो हमारे बच्चा हुआ, तो 21 दिन बाद में चूजा हो गया, पिल्ला पैदा हो गया, बच्चा हो गया, गुड्डू हो गया, अपने गुड्डू हो गया।
अब 21 दिन तो लग गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये बनता, ये जो अपन पढ़ रहे हैं बट पक्षी पढ़ रहे हैं, ये जो फेसियोलिडी जो कुल है इसमें एक और पक्षी आता है टर्की, टर्की आप ये मत सुना सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको क्वेश्चन करना है टर्की। टर्की जो नस्ल होती है, टर्की भी बतख टाइप में आती है, तो उसमें अंडे से चूजा कितने दिन बाद में आता है, यहां पर राइट आंसर आएगा 28 दिन बाद में, ये चीज ध्यान रखना। अरे बटेर, बतख, टर्की, मुर्गी, ये सब एक ही कुल की है, तो अंडे से मुर्गी में अंडे से चूजा कितने दिन बाद में आता है, 21 दिन बाद में, लेकिन जो टर्की होती है, टर्की बतख टाइप में आएगी 28 दिन बाद में, तो 28 दिन बाद में चूजे से क्या आएगा, टर्की के अंदर बच्चा आएगा। अब देखो अपने पास बच्चा हो गया, खूब खुशी खुशी आराम से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दादाजी नाच रहे हैं, दादी जी नाच रही है, सब कुछ आनंद मंगल, घर में सुख संपत्ति हो गई, मतलब इतनी खुशियां हो रही है। लेकिन अब उस बच्चे को ये चीज ध्यान रखना, ये बच्चा हो गया अपने पास, ये मतलब गुड्डू हो गया, अब इस गुड्डू को 36 घंटे तक कुछ भी मत दो आप, 36 घंटे समझ रहे हो, मतलब डेढ़ दिन तक, 24 के बाद में आधा दिन, वो डेढ़ दिन तक कुछ भी खाने के लिए देने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाए कि अंडे से चूजा बाहर निकलते समय कितने समय तक उसको आहार की आवश्यकता ही नहीं होती, मतलब अपन भोजन की आवश्यकता ही नहीं होगी। मैं लिख सकता हूं, अंडे से चूजा बाहर आने के कितने समय तक आहार की आवश्यकता नहीं होती, आहार या भोजन लिख दो, आहार की आवश्यकता नहीं होगी, और यह आता 36 घंटे, ध्यान रखना 36 घंटे तक उसको कुछ भी मत खिलाओ पिलाओ। आप नवजात बछड़े को खीस पिलाते हो, वो भी जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है 36 घंटे तक, इसलिए नहीं पिलाते क्योंकि जो चूजा होता है उसका जो अमाशय होता है उसके अंदर अंडे की जर्दी घुसी रहती है। अरे इस अंडे के अंदर चूजा था अपना, गुड्डू था, उस गुड्डू के जो अमाशय होता है, आहार नाल होती है, उसके अंदर क्या फंसा होता है, अंडे की जर्दी, और वो जो अंडे की जर्दी होती है, ध्यान रखना अंडे की जर्दी उसकी आहार नाल के अंदर लगभग 36 घंटे नहीं 72 घंटे तक उसको भोजन प्रदान करती रहती है, भोजन देती रहती है, बेटा खाता रहे, अंडे की जर्दी दे रखी है मैंने, तो उससे उसको भूख ही नहीं लगती। तो ये देखो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आ जाए, मैं क्वेश्चन है कि अंडे से चूजा बाहर आते समय उसको कितने घंटे भोजन की आवश्यकता नहीं होती, तो वहां पर राइट आंसर क्या आएगा, 36 घंटे तक नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि अंडे एक दिन का जो चूजा होता है उसके अमाशय में जो अंडे की जर्दी रहती है वो कितने घंटे तक उस चूजे को भोजन प्रदान करती है, तो वहां पर राइट आंसर आएगा 72 घंटे। 72 घंटे तक क्या होती है, अंडे की जर्दी भोजन प्रदान करती है। देखो 36 घंटे तक तो अपन को भोजन नहीं देना, थोड़ी थोड़ी भूख तो लगती है अपने गुड्डू को, तो उस गुड्डू को अपन 72 घंटे तक अगर नहीं भी देंगे तो जिंदा रह सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन और बनता है, अपन चूजा खरीद, अब बच्चा आ गया, गुड्डू आ गया, तो उस गुड्डू को खरीदने की उम्र क्या होनी, सॉरी मतलब महीना कौन सा होना चाहिए, अच्छा महीना कौन सा, तो मैंने आपको बता दिया फरवरी मार्च का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये थी अपनी कृत्रिम और दोनों विधियां। अब अपन बात करेंगे इस गुड्डू को पालेंगे, गुड्डू को पालने की कौन कौन सी विधियां, पहले तो देखो अपन अंडाशयन की विधियां पढ़ी थी, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब गुड्डू अपने घर में गुड्डू आ गया, तो इस गुड्डू को पालने की कौन कौन सी विधियां, तो एक बार इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, और जिसको याद हो गया वो एक बार जयकारा लगा दे, जय श्री कृष्णा, जय बाबारी, जय खाटू श्याम नरेश की, या जो भी कोई भी लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो।
यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती तुम्हारी की, रोज कहना पड़ता लाइक करो लाइक करो लाइक करो, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, इसमें कहने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो मैं फिर बोलता हूँ डिसलाइक कर दिया करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइक ही करो डिसलाइक किया करो, लेकिन कुछ किया करो जिंदगी में, कुछ तो कर दिया करो। अरे भगवान ने तुम्हें करने के लिए पैदा किया, डिसलाइक करो लाइक करो कुछ भी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन कुछ जीवन में कुछ करो। अब बात करेंगे अपन चूजा पालने की या गुड्डू पालने की, यहाँ गुड्डू लिख देता हूँ मैं, गुड्डू पालने की विधियाँ। चूजा ही समझ लेना, गुड्डू तो मैंने लिख दिया, कि गुड्डू को पालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे अपन पाल सकते हैं। अब देखो जो गुड्डू होता है, अंडे से गुड्डू बाहर निकल गया, उसके बाद में पालने की, उसके शरीर का विकास मतलब शारीरिक विकास की, उसको बोलते हैं ब्रूडिंग या रियरिंग। ध्यान रखना ब्रूडिंग या रियरिंग, मतलब कह सकते हैं अंडे से गुड्डू बाहर आ गया, उसके बाद में उसको पालने की, उसके शारीरिक विकास की, उसके भोजन देने की, सब उसको बोलते हैं पर ब्रूडिंग या रियरिंग। ब्रूडिंग या बोल दो रियरिंग। अब यहां से एक क्वेश्चन बढ़ता है और वो इंपॉर्टेंट है, एक दिन से लेकर 4 सप्ताह तक की, 4 सप्ताह में आप जानते हो 1 महीना हो गया, 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह के जो गुड्डू होते हैं उनको पालने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं, आप जानते हो दड़बा जानते हो, मतलब 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह की आयु के जो गुड्डू होते हैं उनको पालने के लिए दड़बे, या उनको बोलते हैं ब्रूडर में रख के पालते हैं, इनके घर को क्या बोलते हैं ब्रूडर में पालते हैं, ये लिख सकता हूं मैं ब्रूडर में पालते हैं। इन गुड्डुओं को कहा किस में पालते हैं, 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह 1 महीने के गुड्डुओं को पालने के लिए क्या काम रहते हैं ब्रूडर, और इस विधि को बोलते हैं ब्रूडिंग। इस विधि को क्या बोलते हैं ब्रूडिंग कहते हैं। 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह तक के जो बच्चे होते हैं गुड्डू होते हैं उनको पालने की विधि को क्या बोलते हैं ब्रूडिंग कहते हैं। अब अगर 4 सप्ताह आ गए, 4 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह के गुड्डुओं को इनको पालने की विधि को क्या बोलते हैं अपन, 4 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह के पालने वाले को बोलते हैं रियरिंग। ध्यान रखना रियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो यहां मैंने ब्रूडिंग और रियरिंग दोनों लिखा, मैंने ये कहा है, मेरी लाइन ये थी कि अंडों से चूजे बाहर आने के बाद उसके शारीरिक विकास को और उसके पालने की विधि को बोलते हैं ब्रूडिंग या रियरिंग, लेकिन यहां उल्टा हो गया, यहां चेंज हो गया, 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह के चूजों को अगर पालेंगे अपन तो उनको तो बोलते हैं ब्रूडिंग, क्या बोलते हैं ब्रूडिंग, और इनके घर को बोलते हैं ब्रूडर या अपन बोल सकते हैं दड़बा। तो इनको तो बोलते हैं दड़बा, 4 सप्ताह से ऊपर के अगर अपने पास वो है बच्चे तो उनको पालने की विधि को क्या बोलते हैं रियरिंग। अब देखो अगर 8 सप्ताह के बाद की जो तो बच्चे थोड़ी रहेंगे वो, तो फिर व्यस्क हो जाएंगे, अरे वो मेरे गुड्डू आई तेनू लव यू किस यू मिस यू आई गुड्डू बेटा, सुपरवाइजर नहीं बनाने तो एक गुड्डू लाएगा तू भी। देखो अब बात कर रहे हैं अपन 8 सप्ताह के अगर बड़े हो गए उम्र की जो मुर्गे हो गए वो तो मुर्गियां ही हो जाएगी, अरे 8 सप्ताह के गुड्डू नहीं रहेंगे अब तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो 8 सप्ताह है से ज्यादा, 8 सप्ताह से ज्यादा को अगर अपन मुर्गियां हैं उसको पालने की विधि को बोलते हैं ग्रोअर मैनेजमेंट। ध्यान रखना ये तीनों वर्ड बहुत ही कॉमन है, ग्रोअर
मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं ग्रोअर मैनेजमेंट। मैंने तीन क्वेश्चन बताए आपको। देखो, जब चूजों को पालने और उसके शारीरिक विकास के लिए जो विधियां अपनाई जाती है उसको बोलते हैं ब्रूडिंग या रियरिंग। इसके अलावा बात करें एक सप्ताह से लेकर चार सप्ताह तक के चूजों को पालने की जो विधि होती है, सर ये गुड्डू को नहीं अपने बुग्गू को बोल रहे हो, को बोल रहा है, अच्छा अपनी बुग्गू को बोल रहा, बोलने दे बेटा, बोल आराम से, मस्त रहे, बोल किसी को कुछ भी बोल। सर आज संपूर्ण लॉकडाउन है तो कैसे क्लास ले रहे हो? बेटा अपनी क्लास चलती रहेगी, देखो आज कमेंट्स कम पड़ रहा था इसलिए क्लास ज्यादा हो गई, इसलिए थोड़ा सा देरी बना करके, थोड़ा सा और टॉपिक है उसके बाद में कल और पढ़ेंगे अपन बात। अब बात करेंगे अपन एक सप्ताह से चार सप्ताह तक के जो चूजे होते हैं उनको बोलते हैं ब्रूडिंग या रियरिंग। एक सप्ताह से चार सप्ताह के जो चूजों को पालते हैं उसको उसके घरों को बोलते हैं ब्रूडर, और चार से आठ सप्ताह के जो चूजे होते हैं उनको पालने की विधि को बोलते हैं रियरिंग। इसके अलावा आठ सप्ताह से ऊपर के चूजों को बोलते हैं अपन ग्रोवर मैनेजमेंट। तो ये थी अपनी चूजों पालने की विधियां। अब देखो चूजे पालने की विधियां तो पढ़ेंगे कल, कैसे कैसे पालते हैं, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मुर्गियों की नस्लें, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन रोग। तो आज के लिए बस समय इजाज़त देता, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं शाम को एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान के उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंट सेंटर शाम को 8 बजे, और वो क्लास आपके जीवन की एक क्वेश्चन आपको देके जाएगी। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और नए लेटेस्ट एक्सीलेंट सेंटर अभी हाल ही में और खुल गए तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे शाम को 8 बजे। तो देखना ना भूलिए आज रात 8 बजे हॉर्टिकल्चर राजस्थान के उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंट सेंटर। तो आज के लिए लेता हूँ बस इजाज़त, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल।